आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हजारों जनता के बीच रानी अग्रवाल ने मचा दिया धूम। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने आज बुधवार को छतरपुर और निवाड़ी जिले का दौरा किया। छतरपुर में रानी अग्रवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विशाल वाहन रैली निकाली। नगर के मेन बाजार से होते हुए कई इलाकों से वो होकर निकली। रानी अग्रवाल ने छतरपुर में पत्रकारिता वार्ता से संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ हवा हवाई बातें करती है, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर है और हर रोज में घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी विकास के दिल्ली और पंजाब मॉडल और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी। छतरपुर के बाद आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जिले के नौगांव पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। सैकड़ों वाहन के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने नगर में वाहन रैली निकालकर महाराजपुर विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन किया। नौगांव के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल निवाड़ पहुंची। निवाड़ी में रानी अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती है और आम आदमी पार्टी के तौर पर उसे बेहतर विकल्प मिल गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां की सरकार रही, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। 20 सालों की सरकार में भाजपा लोगों को सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। भाजपा राज में मध्य प्रदेश घोटाले का प्रदेश बन गया है। तो देखने वाली बात है कि भाजपा का वो छू उड़ा कर रख दी रानी अग्रवाल, अब उन्हें ही वोट जाएगा मध्य प्रदेश के लोगों का कहना है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।